हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। बहुत तेज धूप हो रही है, दोपहर है, गर्मी का मौसम है, नींद भी नहीं आती ज़्यादा, लॉकडाउन चल रहा है, क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको बहुत सारी ड्रिंक्स सिखाई जाए, है ना, शेयर की जाए, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ। आजकल तरबूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तरबूज का आपको तरबूज की ड्रिंक सिखाई जाए। तो और तरबूज की ड्रिंक बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत टेस्टी लगती है, और हमको पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इससे कमी भी पूरी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं फटाफट बनाती हूँ, इसको मैंने काट लिया है, देखिए कितना अच्छा निकला है, बहुत ही बढ़िया निकला है। इसको मैं अलग रख देती हूँ, आधे तरबूज को, आधे तरबूज की मैं ड्रिंक बनाती हूँ फटाफट। इसको कुछ नहीं करना है, हमको इसको काटना है, बीजे निकाल के हम इसको काट लेते हैं, और बीजे निकाल के काटने के बाद मैं इसको मिक्सी में फेंट के फटाफट आपको एक ड्रिंक बनाना सिखाती हूँ, जो कि बहुत आसान और बहुत ही जल्दी बनती है। देखिए मैंने बीज हटा के काट लिया है अच्छे से, ये देखिए कट गया है। अब मैं इसको, ये देखिए कितने से पूरे बीज निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसको मिक्सर में हमको पीसना पड़ेगा ना, इसलिए है ना, इसके हमने बीज निकाल लिए हैं। अब हम फटाफट इसको पीस कर लाते हैं और हम जल्दी से तरबूज की ड्रिंक बनाते हैं। और इसका जो ये देखिए, मैं इसको मिक्सी में पीस के लाई हूँ, इसको देखते हैं कितना अच्छा ड्रिंक बना है हमारा, ये देखिए, ये है ना। इसको मैं छान लूँगी फटाफट, बड़ी छन्नी से, जो हमारे सूप की छन्नी होती है ना, इससे देखिए मैंने छान लिया ये, जिससे कि हमारे जो बड़े पीसेज हैं वो निकल जाएं। देखिए कितना तरो ताज़ा और एकदम बिल्कुल शुद्ध घर का एकदम वाटरमेलन जूस कितनी जल्दी और कितनी आसानी से बन जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हस्बैंड या बच्चे ऑफिस वगैरह जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टाइम नहीं होता उनके पास तरबूज खाने का, तो फटाफट हम गर्मी में ये अपना ड्रिंक तैयार करके इसको रख सकते हैं। ये फ्रिज में तीन से चार दिन तक हम रख सकते हैं इसको, तो आसानी से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। डालेंगे थोड़ा सा काला नमक स्वाद बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा डालेंगे वाइट नमक, और थोड़ा सा डालेंगे भुना हुआ जीरा, ये देखिए है ना, इससे स्वाद हमारा और बढ़ जाएगा। चीनी तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारी है, पानी भी, से देखिए कलर कितना सुंदर आया है, एकदम बिल्कुल नेचुरल। अब हम अपने ग्लासेस में इसको डालेंगे, एवेट करने के लिए थोड़े से पीसेस डाल दिए हैं, थोड़ा सा हम इसमें क्यूब डालेंगे, बर्फ़ क्यूब, मैं बर्फ़ लेकर आती हूँ, बर्फ़ डालेंगे, और थोड़े से मैं छोटे छोटे से इसमें से क्यूब निकाल लूँगी इसमें डालने के लिए, थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि ये गर्म है ना, तो गर्म तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ठंडा करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा आइस डाल देंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। गर्मियाँ है ना, तो थोड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल खाने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि बस हम लोग अच्छे अच्छी ड्रिंक्स करें। तो फिर ड्रिंक्स तो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि फ्रूटी और ये सब तो बेकार है, कि हमको अपने ताज़े फ्रूट्स के हम अपना बनाएं और उसको अच्छे से करें। मैं बर्फ़ लेकर आती हूँ इसमें, इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी क्यूब बर्फ़ के, 2 से 3 क्यूब डाल देंगे इसमें बर्फ़ के, ये देखिए तो ये हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाएगा, है ना। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें, ये बिना बीच के से, ये चम्मच है मेरे पास छोटी सी, इसके छोटे छोटे से गोल हम ऐसे क्यूब से निकाल देंगे, देखिए तो ये बड़े सुंदर लगते हैं। ये निकाल लिया मैंने, ये इसमें मैं डाल दूँगी, जब हम पियेंगे ना, ये जब ये मुँह में आएगा ना गोल गोल, तो बड़ा सुंदर लगता है, बहुत ही बहुत अच्छा लगता है। मैं ना जब लास्ट टाइम शिकागो गई थी, तो वहाँ पर मैंने एक होटल में देखा था ये, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब से ये, क्योंकि मैं लेमन जूस तो बहुत बार बनाती हूँ, बट मैंने कभी तरबूज के उसमें क्यूब नहीं डाले। क्यूब मैंने वहाँ पर देखे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ एक रेसिपी अच्छी सी ड्रिंक्स की, इसलिए मैंने इसको शेयर की। ये हमारा हो गया वाटरमेलन जूस तैयार, इसको मैं ऐसे डेकोरेट कर देती थोड़ा सा, ये देखिए कितना टेस्टी और कितना यम्मी लग रहा है, ऐसा लग रहा है फटाफट इसको पी लें जल्दी से। ये देखिए हमारा वाटरमेलन जूस रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज में। ओके, टेक केयर, नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलती हूँ। फटाफट मैं आपको बटर मिल्क जलजीरा और आम का पनाह जल्दी से सिखाने वाली हूँ, तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।